असल माई ब्यूटीफुल फैमिली फाइन के लोग जी वेलकम टू अनादर वीडियो और आज ऐसे सीन है कि मेरे पास जो कपड़े मेरे पास थे अभी बहुत ज़्यादा मैंने खुद स्टिच नहीं करवाए था ज़्यादा कपड़े आप लोगों को जैसे कि पता है लास्ट टाइम स्टिज आ रहा है तो उसके बाद मैं कपड़े स्टिच कराऊँगी कुछ क्लोथ थे मेरे का चार पाँच सूट है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसकी ड्रेस डिजाइनिंग दिखा देती हूँ आप लोग भी ऑब्वियसली गर्मियों में कपड़े बनाने होते हैं गर्मियाँ पाकिस्तान में बहुत लंबी होती है अक्टूबर तक बल्कि अक्टूबर तक जो ना हमारी लॉन्च चलती है ठीक है तो अभी हम देखते हैं ड्रेस नंबर वन और उसके बाद फिर आप अगर हम जाना है आपको सारी डिज़ाइनिंग कैसे लगी ठीक है उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें मेरी वीडियो को ठीक है सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया गला चेक करेंगे गला कितना खूबसूरत बना हुआ है आप लोग इस तरह से टेलर आपको बना देगा स्क्रीनशॉट आप ले लें और फ्लोरल सब्रेंट आजकल आपको पता है कोअर्ड्स वैसे भी बहुत चल रहे हैं और यहाँ से अब मैं आपको बाजूओं की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ ये दे ये जी इसके बाजू हैं कितने खूबसूरत बने हुए हैं आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लें इस तरह से आप अपने टेलर को दे सकते हैं ताकि वो भी आपके कपड़े इस तरह से स्टाइलिश से स्टिच हो जाए बाकी प्लेन इसकी स्टिचिंग है कुछ भी नहीं है घेरे पे कुछ नहीं है और साथ इसके शलवार है इस तरह से ठीक है इस तरह के प्रिंट्स आप लोगों को पठानों से मिल जाएंगे बहुत इजीली ये का था अगर आपको वहाँ पे पसंद है तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं शलवार बनी हुई है फुल इस तरह से लूसी ये देखें यहाँ पे जैसा ही गले पे कट था वैसा यहाँ पे कट है और ये पाँच छः पे लगी हुई है ये भी बहुत प्यारा लग रहा था पहना हुआ बहुत स्टाइलिश लगता है तो आप लोग ये देखें इस तरह से आप लोग भी बनवा सकते हैं ये शलवार का भी आप लोग ले लें स्क्रीन सेम है बहुत खिला खिला कलर है क्या आप लोगों को ड्रेसेस देख के मजा आ रहा होगा होपफुली आप लोगों ने ड्रेस नंबर वन देखा है तो इस तरह की डिजाइनिंग आप भी कराएं सिंपल और एलिगेंट ठीक है ये ड्रेसेस इस तरह के जो हम लोग घर में पहनते हैं या किसी के घर जा रहे हैं जैसे कि हम लोग रात को डिनर्स पे चले जाते हैं ये वो तो कैजुअल वेयर की डिजाइनिंग है ठीक है बाकी जो डिजाइनिंग होगी जो लग्जरी कलेक्शन होती है उसकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तो इस तरह के कपड़े आप लोग सिलवाएं अब ये जो मैंने आपको येलो सूट दिखाया है इसकी शलवार बहुत प्यारी लग रही है अब अगर आपको सलवार नहीं पसंद तो आप इसको एज ए ट्राउजर की तरह सिलवा लें तो वो भी बहुत फट लगे हैं ये भी इतना खूबसूरत है ये मैंने डिक्लेअर से लिया था और ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से आप लोग खुद ही भी बनवा सकते हैं ये इस तरह से लगवा लें कोई भी प्रिंट आपके पास हो ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी, भी और अगर आपने डिक्लेयर से लेना हो तो आप लोग खुद जा ले सकते हैं अब यहाँ पर देखें ये फ्रॉक स्टाइल है थोड़ा सा शर्ट की शर्ट है और एक साइड्स पे ना इसकी कलियाँ उन्होंने दी हुई है ये ओपन चॉक है और यहाँ पर ये देखें प्लीट्स लगी हुई हैं सारी और इसके बाजू आप चेक करें चुनट वाले बाजू भी बहुत प्यारे हैं इस तरह के बाजू गर्मियों में बनवाए हैं बहुत स्टाइलिश लगेंगे ऊपर चुनट नहीं है यहाँ पे चुनट है और बाकी आप ये देखें इस तरह से यहाँ पे भी सारी चुनटें दी हुई हैं ये वाली लेस लगाई हुई है स्टडी टाइप लेस और बाकी ये इसकी फुल लुक है ये देखें आप लोगों ने ड्रेस नंबर टू भी देख लिया होगा इस तरह की शर्ट्स आप लोग ले लें शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं इनके साथ ऐसा होता है कि दो तीन आपके पास ट्राउजर ब्लैक होने चाहिए और दो तीन आपके पास फान कलर के ट्राउजर होने चाहिए व्हाइट क्योंकि ये इस तरह होता है कि अगर आप लोगों ने सेल्स लगी हैं सेल्स पे आप लोग ले लें शर्ट्स ले लें ले, उनके साथ जो ना आप लोगों की बच्चियां होती हैं उन्होंने भी पहनने होते हैं तो इस तरह से वो स्टाइलिश से पहन लें टाइट्स पहन लें तो उनके साथ ये जो है ना इस तरह की शर्ट्स बहुत चल जाती हैं ठीक है थीके? अब मैंने जो है ना अपनी प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली बहुत लूज लूज कुर्ते लिए हैं मैं आप लोगों को डिजाइनिंग इसलिए दिखा रही हूं कि आप लोग ये आर्टिकल ना लें ऑब्वियसली सी बात है हर बंदे का होता है लेकिन अगर पसंद आता है आपको <coughs> अगर आपको पसंद आता है तो आप इस तरह से स्टिचिंग करा सकते हैं ठीक है थीके? अब हम चलते हैं ड्रेस नंबर ड्रेस्टम्ब्री की तरफ अच्छा जी ये देखें ये कुर्ता है ये मैंने सना सफी से लिया था आप लोग ये देखें इस तरह से आप लोग स्टिच करा सकते हैं ये देखें लेस इस तरह की लेस ले लें बहुत इजी वी कलर वी गला बना हुआ है और ऊपर से देखें ये सारे जो है ना इसके अंदर ब्लू कलर था और पीच कलर था तो दो मतलब एक पीच कलर फिर है फिर दो बॉल्स हैं फिर पीच इस तरह से इन्होंने ये वाले लगाए हुए हैं बटन्स ये ईजीली मिल जाते हैं उर्फ इतना साँस है मुझे अच्छा जी और बाकी आप इसके बाजू देखें ये तो बहुत लार्ज में है तो इसलिए बहुत खुला लग रहा है मुझे भी वैसे ये बहुत लूज़ है लेकिन मैंने ले लिया था तो यहाँ पे आप देखें ये बाजुओं पे लगा हुआ है इस तरह के जो कूल प्रिंट्स होते हैं ना ये प्रिंट बहुत अच्छा मुझे लगा था मतलब कलर भी बहुत अच्छा है बाकी आप साइड्स पे देखें चाकों पे इसी तरह की लेस लगी हुई है ये लेस का स्क्रीनशॉट ले लें इस तरह की लेस आपको मिल जाएगी और ये डिज़ाइनिंग गले की आप स्क्रीनशॉट ले लें इस तरह का गला आप बनवा सकते हैं ऐसे सिंपल सिंपल और एलिगेंट से क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना पहले ऐसा होता था कि मैं हर चीज़ जो है ना एम्ब्रॉयडरी वाली लेती थी बहुत एम्ब्रॉयडरी वाली तो बाद में ऐसा होता था कि वो कपड़े घर में नहीं पहने जाते थे घर में दिल करता था लॉन का सूट हो बहुत क्योंकि जब जून जुलाई की गर्मी आती है ना तो फिर सही बंदे का दिल करता है कि यार मतलब घर में बहुत रिलैक्सिंग कपड़े पहने तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी होती रहती है और इस तरह से फिर बहुत इश्यू होता है गर्मी बहुत लगती है तो कढ़ाइयों वाले बहुत कपड़े नहीं पहने जाते ठीक है बाकी जो ना मैं कुछ और भी कपड़े स्टिच करवाऊंगी अभी तो ऑब्वियसली सी बात है नहीं करवा रही कुछ अर्से के बाद जब स्टिच करवाऊंगी तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी ठीक है बाकी ईद की भी शॉपिंग वगैरह स्टेट यून रहे ईद ड्रेस डिजाइनिंग भी अपनी नहीं मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस जगह पे बहुत अच्छे कपड़े आए हुए आप लोग ले लें वहाँ से तो आप लोग भी वहाँ से ले सकते हैं तो वो टूअर शुअर कराएंगे और आईमां के भी मैं आप लोगों को ईद के दिखा दूंगी ठीक है और कल जो मैंने वीडियो लगाई थी उस उसमें बहुत लोगों ने कहा कि आपने आईमां के कपड़े दिखाए आप अपने भी दिखाएं तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट व्लाग जो है ना मैं कपड़ों का बना रहती हूँ मैंने जनरेशन से लिया था ये देखें आप अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो आप इस तरह का आपको कपड़ा मिल जाएगा ठीक है जिसके ऊपर छोटी छोटी बूटी बनी हुई हो लॉन की आप वो लॉन की इतना सा कपड़ा ले लें हाफ मीटर जितना ठीक है उसकी ये बॉडीज बना लें ठीक है बाकी आप यहाँ पे गले पे देखें ये गोटे वाले लगे हुए हैं एक गोटे वाला वन टू थ्री फोर जो गोटे वाले बटन्स लगे हुए हैं और ये भी गोटे वाली लेस होती है आप ये स्क्रीन शॉट लें इस तरह से देखें आप लेस लगवा सकते हैं ब्लू कलर बहुत प्यारा लग रहा है गर्मियों में आप लोग खुद भी बनवा सकते हैं ये और ये बहुत रीज़नेबल सा बनेगा यहाँ पे देखें जी पाइपिंग खुद की है टेलर ने बाकी ये कलियों वाली फ्रॉक बनी हुई है कलियाँ आप चेक कल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कलियाँ और नीचे इस तरह से इस तरह का कपड़ा पठानों के पास बहुत होता है जिसके ऊपर इस तरह से ये मोटव्स बने हुए होते हैं ये देखें छः सारे मोटव्स हैं और नीचे आप देखें जी यहाँ पे किस तरह से डिजाइनिंग की हुई है वही लेस लगाई हुई है गोटे वाली और ये भी टिल्टेड गोटे करके ना कनारी वाली लेस लगाई हुई है इस तरह करके तो ये बॉर्डर बन गया इस तरह आप लॉन्ग की शर्ट भी बनवा सकते हैं और अगर आपको बाजू बनवाने हो बाजू पे आप देखें डिज़ाइन ये स्क्रीन शॉट लें बहुत प्यारे ये बाजू लग रहे हैं इस तरह से आप लोग स्टिच करा सकते हैं अब यहाँ से देखें एक लाइन है और ये इस तरह से ये लेस लगी हुई है और बैक साइड पे ऑपोजिट लाइन लगी हुई है एक स्क्रीन शॉट लेने बहुत प्यारे बाजू हैं ये ये देखें ये एक और है ये भी बहुत अच्छा है लॉन् का है ये मैंने लूजा लिया था मुझे ये बहुत अच्छा लगा था इसके ऊपर देखें गला बना हुआ है ये ये भी डिक्लेयर का है ठीक है अगर आपको वहाँ से पसंद आए तो आप लोग वहां पे जाके ले लें बाकी बाजू आप ये देखें यहाँ से ये सिंपल बाजू हैं इस तरह की लेस भी मिल सकती है आप लोगों को शीशे वाली और ये देखें यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है इस तरह से बाजू की भी स्क्रीन ले लें गला सिंपल सा बना हुआ है दो दो बॉल्स लगी हुई हैं और यहाँ पे देखें जी पॉकेट्स हैं ये एक यहाँ पे पॉकेट बनाई हुई है इन्होंने और एक यहाँ पे पॉकेट बनाई हुई है फुल ए लाइन में शर्ट है ये देखें जी और नीचे प्रिंट है प्रिंटेड है और सिर्फ सीढ़ी टाइप जो लेस होती है ना ये वाली लेस लगाई हुई है ताकि इससे अच्छी लुक आ जाए और फोल्ड इसकी फोर्टी नाइन लेंथ है इस ड्रेस की जी होपफुली आप लोगों ने सारी डिज़ाइनिंग देख ली होगी बहुत मजा आया होगा कपड़े जो होते हैं ना वो लड़कियों की जो है ना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है ना वीकनेस होती है हर बंदे को होता है कि यार हम भी डिजाइनिंग देख लें हम भी करा लें तो मुझे खुशी तब होगी जब आप लोग स्क्रीन शॉट्स लेके अपनी पिक्चर्स बना के मुझे इंस्टाग्राम पे डी करें कि हमने भी हमारा आप या आपके जैसे कपड़े बनाए हैं तो फिर मुझे खुशी होगी ना यार मैं वीडियो पे वीडियो लगाती रहूँ और आप लोग कपड़े ही ना सिलवाओ तो फिर क्या फ़ायदा तो अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि किस फेस की डिजाइनिंग आपको बहुत अच्छी लगी और आप लोग वैसा सूट सिलवाएंगे या नहीं ठीक है ये कमेंट में मुझे लाजमी बताना है आपने होप यू लाइक माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा होंगे नेक्स्ट वीडियो में यू वन टेक